Hi, this is Mohammed Kaif. Happy to be back on Sports Kira. Conversation with Kaif. Best captain की बात करें तो I think धोनी का नाम ऊपर आता है क्योंकि उन्होंने काफी चतुराई से कप्तानी करी, चेंजेस करे टीम में और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि जडेजा को खिलाया, बॉलिंग नहीं मिली, भज्जी खेले, बॉलिंग कम करी, फिर मैच उनकी टीम जीती और राइडू को ओपन कराया, वहाँ से वो क्लिक कर गए। तो ये धोनी की कप्तानी के बारे में दर्शाता है कि कितनी उनकी अच्छी थिंकिंग है और अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। और उसके बाद फिर हम अगर हैदराबाद की बात करें तो विलियमसन, आई थिंक उनकी जो टीम है ऑन पेपर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, काफ़ी अनकैप प्लेयर्स को बैक किया। कॉल की बात कर लें, संदीप शर्मा ने मैचेस खेले, उनको बैक किया। तो विलियमसन ने काफ़ी जितने उनके लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको यूज़ करके मैचेस निकाले, कभी कभी 119 भी डिफेंड किया, 130 लो स्कोरिंग टारगेट्स थे उसको डिफेंड करके मैच निकाला, तो उनकी कप्तानी काफ़ी पसंद आई मुझे। फिर दिनेश कार्तिक की बात कर लें, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी कप्तानी करी, पहली बार कैप्टन बने आईपीएल में और जिस तरह से उन्होंने यंग प्लेयर्स को लेके आए, शुभम गिल की बात कर लें, शिवम मावी थे, उन्होंने काफ़ी अपने यंग प्लेयर्स को बैक किया और कई बार तो नया बॉल पीयूष को कराया, कभी कुलदीप को लेके आ गए, नरेन को स्पिन करा दी पावर प्ले में, तो काफ़ी फेयरलेस कप्तानी करी और मुझे लगता है कि उनकी कप्तानी की वजह से ही वो लोग प्लेऑफ में हैं। दिनेश कार्तिक की अगर बात करें तो आई थिंक कार्तिक, धोनी, विलियमसन एंड कार्तिक।